الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتقول للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء
المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कि कल कयामत के औखे दिन में यही दुरूद पाक हमारी निजात के बख्शिश के मगफिरत के काम आएगा। जितनी जिसको ज्यादा मोहब्बत है काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतना ही बुलंद आवाज से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمع نور رخ شمع نور رخ احمد پہ پنگلنا سیکھو آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو بے قراری سے بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو کوچے یار میں کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو عزم رکھتے ہو عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو راہ مولا میں پھر دربار لٹا سیکھو او پہلے شبیر بنو پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو حضرات علماء کرام محترم بزرگو عزیز دوستو جامع عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے بڑھاپا بھی سر پہ آ گیا اس گرمی میں پڑھ کے قابل نہیں رہا
लोग आजकल मुफ्ती साहब शादी नहीं कराते। कैबाल को आखो ना तेरी शादी हुन जून बिच कर ली, अखे बाबा दो महीने ठहर जा। मगर मैं ये सोचता हूं कि ये हजरात सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक कुरान की तालीम, तफसीर की तालीम, हदीस की तालीम, फिका की तालीम, इनको भी तो गर्मी लगती होगी। मुमकिन है ऐसे दीनी इदारे की हाजिरी मेरे लिए जरिया निजात बन जाए। आप हजरात तशरीफ, आप यूं ना समझें कि यहां आए और जलसा सुन के चले गए। खुदा की कसम, इस महफिल का, इस गर्मी में दीन के लिए बैठने का जब अजर मिलेगा, आप लोग कयामत में इतने पछताएंगे, इतने पछताएंगे कि हाथों की हथेलियों की खाल उतार देंगे कि रात दिन इसी तरह क्यों नहीं गुजरा। यहां कोई फिल्म नहीं, थिएटर नहीं, तमाशा नहीं, बोट का जलसा नहीं, नोट का जलसा नहीं, ये तो सिर्फ कब्र हशर की बात का जलसा है। अगर नोट कमाने पे आए तो आप लोग उम्र भर में नहीं कमा सकते जितना आजकल मौलवी एक दिन में कमा सकता है। थोड़ा सा यूं पल्ला झुका दे फिर कोई कमी नहीं। अब तो माशाल्लाह, पहले रिश्वत में पैसे हुआ करते थे, कोठियां हुआ करती थी, बंगले हुआ करते थे, अब तो आप लोगों को मुबारक हो, रिश्वत में हज भी हो रहे हैं। इस मौलवी से पूछो ना कि जी आप कहां गए थे। भैया हज के लिए गया था। मौलवी साहब आप खर्चा कहां से आ गया। अल्लाह ने बुला लिया। भेजने वाले का नाम नहीं लेते किसने भेजा है। पता नहीं कैसा दौर हमें टकरा है। बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अल्लाह वाले अपनी मेहनत ठिकाने लगाकर अल्लाह अल्लाह करते हुए दुनिया से रुखसत हो। अब सख्त इम्तिहान का वक्त है। हर वक्त फितना ही फितना है, परेशानी परेशानी है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो सांस लेने की गुंजाइश नहीं। कौन सा गुनाह हमने छोड़ रखा है, कौन सी बदमाशी जो काफिर करता है आज का मुसलमान नहीं करता। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जमीन कई मर्तबा अल्लाह के हुजूर में रो रो के अर्ज करती है, मौला लोग जिना करके मेरे ऊपर चलते हैं, कत्ल करके मेरे ऊपर चलते हैं, हराम खोरी करके मेरे ऊपर चलते हैं, इजाजत दे, मुझे इनके उससे बड़ी नफरत है, मैं इनको लुकमा बना कर निगल जाऊं। अखबार की समझ बड़ी जल्दी आ जाती है, रेडियो टीवी की खबर बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। ओ आंखों वालों, दुनिया वालों, तुम्हें आज तक ये समझ ना आया ये इतना बड़ा आसमान बगैर सतूल के कितना हम रखा है। सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी तुम्हें बिल नहीं भरना पड़ा, कभी तुम्हें उस चांद की रोशनी की कीमत नहीं देनी पड़ी, और फिर चलो बिल तो कभी ना भरा, कीमत तो कभी ना भरी, कभी ये भी ना सोचा ये सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है। थोड़ी सी देर पंखा चला, दिमाग में आता है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठा लेता है, इसको बंद कर देता है। अल्लाह पाक की रात दिन हवा में तू जिंदा है, तुझे कभी शर्म ना आई किसकी हवा है।
रात को आराम करता है, इबादत करता है, दिन को कमाई करता है। फरमाया तूल जुल्लैल फिन नहारी व तूल जुन्नार फिल लैल। रात का पैदा करने वाला मैं, दिन का पैदा करने वाला मैं, वो जालिम तेरी समझ में ना आया, तेरा पैदा करने वाला भी मैं। फरमाया रात का वक्त था, तेरी अम्मा भी सोई हुई थी, तेरा अब्बा भी सोया हुआ था, तेरी नानी भी सोई हुई थी, तेरा दादा भी सोया हुआ था, सारा खानदान खर्राटे मार रहा था, आराम कर रहा था, चोर चोरी करके ले गए, फिर भी किसी को पता न चला। ओ जालमो, तुम सो सारी सारी रात, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, लिमा खलक तू भी या दैया, मैं तुझे दोनों अपने हाथों से बनाया करता था। ثم جعلناه نطفة في قرار مكين। कैसे सूरतें बनाई, अखबार में किसी का तस्वीर नजर आ जाए, आंखें देखकर खुश हो जाता है। ओ जालिम, कभी तेरे दिमाग में ये भी आया, ये आंखें बनाई किसने? किसी के लब देखकर खुश हो जाता है, किसी का मुंह देखकर खुश हो जाता है, किसी की बादी देखकर खुश हो जाता है, किसी का रंग रूप खुश हो जाता है। कहता फलानी बड़ी सोनी है, फलाना बड़ा सोना है, और वो तो तुझे समझ आ गया। अल्लाह कहता मैं बनाने वाला कभी ना आया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामी कैफ यशा, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया मैं हर वक्त लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों अरबों सूरतें बना रहा हूं। आंख की कीमत उससे पूछ जो टकरे मारता फिरता है, जुबान की कीमत उससे पूछ जो पढ़ने को तरसता है, कान की कीमत उससे पूछ जो अजान सुनने को तरसता है, हाथ की कीमत उससे पूछ जो लैटरीन में पजामा बांधने के लिए तंग खड़ा है, पैर की कीमत कभी उससे पूछ जो हाथों से जमीन पे घिसटता फिरता है। कितने इनाम है उस परवरदिगार के। एक दिन रोटी खिला दे कोई, उसका एहसान याद रहता है, और जो सारी जिंदगी खिलाता है उसका एहसान कभी नहीं याद आता। एक दिन स्टेशन पे कोई चाय पिला दे याद रह जाता है, और जिसने 80 साल पिलाया वो कभी याद ना आए। फिर हम मुसलमान बने फिरते हैं, फिर हम उम्मत मोहम्मद मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बने फिरते हैं। अल्लाह की तौहीद को हमने तबाह किया। आदमी की कारागरी अंग्रेज की हो, काफिर की हो, मुसलमान की हो, फौरन समझ में आ जाती है। 10-4 छोकरे बाहर खेल ले जाते हैं, अगर वो जीत जाए ओ खुशी होती है, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। और तुम्हें ये कभी खुशी नहीं होती कि इतने बच्चे कुरान के हाफिज बन गए, कुरान के कारी बन गए। वो दौर ही चला गया जो कुरान की खुशी हुआ करती थी, ईमान व यकीन की खुशी हुआ करती थी। मुबारक हो इन अल्लाह वालों को, जा बजा यूनिवर्सिटियां कायम कर रखी हैं, सारे भाई मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कई मरतबा यकीन जानो जगह जगह जिक्र करता रहता हूं कि इस दरख्वास्ती खानदान पे कुछ खास ही अल्लाह का करम है।
मैं अपनी बात करूं, बड़ी कोशिश करता हूं बच्चे तालीम हासिल कर लें, कुरान पढ़ लें, अल्लाह जानता है थक जाता हूं, कह कह कर समझा समझा कर नेड़े नहीं जाते। एक भाई शेखुल हदीस है, एक भाई मुफ्ती है, एक भाई फिका का सरफ नौ का माहिर है, ये अल्लाह का करम नहीं? तुम जो कहते हो भी दुकान घर की होनी चाहिए मजा जब है, मकान भी घर का होना चाहिए मजा जब है, और यहां सारा मदरसा ही घर का। हजरत खासी दामद बरकात उनकी दुआ, अंदर अंदर दुआ हो रही है, सारा फैज यूं आ रहा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमाए, हर शर से हर फितने से हिफाजत फरमाए। मैंने जो आयत तिलावत की थी, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुर्बानी का जिक्र फरमाया। अब ये लफ्ज कुर्बानी जो है इसको इशार कहो, हमदर्दी कहो, सर देना कहो। आज दुनिया में सिर्फ आजादी हासिल करने के लिए करोड़ों लोग सर दे रहे हैं, लाखों मर रहे हैं, औरत के पीछे मर रहे हैं, दौलत के पीछे मर रहे हैं, हुकूमत के पीछे मर रहे हैं। ये कितने मुबारक लोग हैं कि मुसलमानों की नस्ल को सारा दिन बिठाकर कुरान और उसका तर्जुमा याद कराते हैं। कितनी बेहतरीन बात है, कुर्बानी देने का जज्बा देने पैदा करने के लिए भी इन मदारिस ने काम किया। हमारा तजर्बा है, जिस मुल्क में भी कुर्बानी देने का मौका आया, अरबी मदारिस के पढ़े हुए लोगों ने कुर्बानी दी। कॉलेज वाले तो मिनट में पतलून बदल के आ जाते हैं, मिनट नहीं लगाते। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, यूं ऐलान फरमाया, कल मैं ऐसे अल्लाह वाले से दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखवाऊंगा जिसके दिलो दिमाग से कबीरा गुना तो क्या सगीरा गुना कभी कभी गुजर नहीं हुआ। कबीरा गुना तो क्या सगीरा गुना कभी कभी गुजर नहीं हुआ। और हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह फिर सुबह के वक्त मियां मुन्ने शाह रहिमहुल्लाह का हाथ पकड़ के लाए, उनसे बुनियाद रखवाई, और मियां मुन्ने शाह ने एक रुपया चंदा दिया। हमारे अकाबिर बुजुर्गों की इतनी कदर करते हैं, कितना अरसा कितनी मुद्दत गुजर गई, वो मियां मुन्ने शाह का दिया हुआ रुपया देवबंद के खजाने में आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज भी वो रुपया मौजूद है। कदर की। फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला ने इन हजरात पर कितना बड़ा करम फरमाया, नगाने जिहाद के शाह सवार यहां से पैदा हुए, आमिल बामल यहां से पैदा हुए, मुनाजिर यहां से पैदा हुए, और सलूक और तसव्वुफ की मंजिलें तय करके वली बनाने के तमाम रास्ते यहां से तय किए गए। हमारे अकाबिर ने तालीम भी दी और जज्बे जिहाद भी पैदा किया, कुर्बानी का जज्बा पैदा किया। मौलाना यहया अली पटना एक शहर है, वहां के एक बुजुर्ग हैं, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके फांसी की कोठरी में ले आए। कई दिन वहां गुजर गए, जेल के हुक्काम ने मौलाना यहया अली का वजन किया तो अंग्रेज गवर्नमेंट को खबर दी कि जब से इस कोठरी में आए हैं मौलाना यहया अली का वजन बढ़ गया। फांसी की कोठरी में जब से आए हैं दिन ब दिन वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे रौनक आ गई, निखार आ गया, अजीब नूर आ गया। अंग्रेजों ने मौलाना यहया अली से पूछा कि बता सकते हो तुम्हारा इस कोठरी में जहां सारी दुनिया का रंग पीला पड़ जाता है, अधमोया हो जाता है, यहां आकर सब दम तोड़ जाते हैं, तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है, तुम्हारे चेहरे पे रौनक और निखार क्यों आ रही है?
मौलाना यहया अली फरमाने लगे, मेरी उम्र भर की तलाश, मेरी सारी जिंदगी की जुस्तजू, मेरी आरजू, मेरी हसरत पूरी होने का जू जू वक्त करीब आ रहा है, मेरा खुशी में वजन बढ़ रहा है, तेरी तलाश क्या है, तेरी आरजू क्या है? फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम पर सर देना चाहता हूँ। कोई औरत के पीछे जान देता है कि औलत औरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई हुकूमत के पीछे, मैं ईमान यकीन के पीछे अपना सर देना चाहता हूँ। और खुशी है अल्लाह का दीदार करूँगा, काली कमली वाली की ज़ियारत करूँगा, सहाबा किराम से मुलाकात करूँगा। तुम मेरा वक्त लंबा ना बढ़ाओ, जितना हो सके मुझे जल्दी फांसी लगा दो। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, आशिकाने रसूल, उलमाए देवबंद। मौलाना यहया अली की खड़ा करके अंग्रेजों ने दाढ़ी मूंड दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खड़ा करके दाढ़ी मूंडी थी, पैरों पे गिरी, यूं झुक झुक के उठा रही है और अपनी दाढ़ी को कहते हैं, मेरी दाढ़ी मुबारक हो, तेरा नंबर तो कभी आना था, तू मुझसे बाजी ले गई, मुझसे पहले कट गई, मैं इंतजार में खड़ा हूं, तुझे मेरे से भी पहले अल्लाह के दरबार में जाना था, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह, यूं कुर्बानी दी देने वालों ने, हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन सबके दो रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर अंसारी मरहूम की कोठी पे सख्त बीमार हैं, शागिर्द देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहीमहुल्ला जैसे, मुफ्ती किफातुल्लाह मरहूम जैसे, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी जैसे, मौलाना मुराद रासन गिलानी जैसे बैठे हैं, अल्लाह वाले ने रोना शुरू कर दिया। इन असात शागिर्दों में से किसी ने पूछ लिया, हजरत क्यों रोए क्यों? फरमाया, तुम्हें मालूम नहीं मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरजू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, उम्र भर की तमन्ना थी अल्लाह की राह में मेरी जान का कीमा बना दिया जाएगा, मेरी बूटियां उड़ा दी जाएंगी, मेरा वक्त बिस्तर पे आ रहा है, मेरी उम्मीद पूरी ना हुई, मेरी हसरत पूरी ना हुई, आपकी कौन सी तमन्ना थी? फरमाते हैं, तुमिनून बिल्लाही व रसूलही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मेरा दिल चाहता था मेरा कीमा बना दिया जाता, मेरी बोतियां उड़ा दी जाती, अल्लाह के नाम पे मैं अपना अंग अंग कटा देता। गुसल देने लगे, वफात हो गई, गुसल देने लगे, यूं करवट जो दी, यहां कमर पे काले काले निशानात दिखाई दिए। शेख मदनी से बाकी लोगों ने पूछा, ये थोड़े फुंसी के निशान नहीं, ये किसी मल्ले वल्ले के निशान नहीं, ये तो कोई लंबे लंबे निशान है, ये क्या बात है? शेख मदनी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम नहीं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों के कहने पर तुर्किस्तान के मुसलमानों को काफिर ना लिखा, 8 दिन तक रोज रात को कोड़े तो खाए मगर मुसलमान को काफिर ना लिखा।
نعرہ تکبیر اخیر مالتا شیخ الہند مولانا محمود الحسن علماء دیوبند یوں ہی تھوڑا ہی قربانی ہوتی ہے. ایک ہمارا دور ہے قربانی کا. جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی, نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں, ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں. میں نے کہا پوچھ لے. قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا, بڑا اس کو کھلایا پلایا, خوب موٹا فربا ہو گیا. ہم دونوں میاں بیوی بےمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا, اسے منڈی میں بیچیں تو 3,000 کا بچے گا. ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے, اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں. یہ 2,500 کا بیچ کر 400-500 کا گائے میں حصہ لے لیں گے, کچھ پیسے بچ جائیں گے. میں نے کہا پھر تو کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا, دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی. میں نے کہا پھر کیا, اب ہم کیا کریں, دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا. میں نے قربانی کا کہا تھا کوئی چرا کے ہی لے گیا, دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی. میں نے کہا پھر کیا, اب ہم کیا کریں, دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا. میں نے قربانی کا کہا تھا, وہ تو بکری کا تھا, تم تو بےمان ہو گئے تھے. اب دور ایسا ہے. میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا, 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے. سردی وہاں بڑی ہے, بڑا بڑی ٹھنڈ ہے, آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے. ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا, ایک حافظ صاحب ہیں میاں چنو کے, 28 برس سے وہاں رہتے ہیں, نیک آدمی ہیں. اس کو آ کے کہنے لگا, ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا, کہ میرا والد فوت ہو گیا, آپ چل کر غسل دیں. اس حافظ صاحب کو کہنے لگا, وہ عموماً بیچارہ نیک آدمی ہے, غسل دیتا رہتا ہے. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی, چائے پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا, پنجاب پاؤنڈ لوں گا انگریزوں کے 50 روپے. اب اس کو آگ لگ گئی جو بلانے آج کل لگا, مولویا نے شرم نہیں آندی, مرجن آن دے پیسے منگتے ہیں. ایک کام ہے, شرم آنی چاہیے, تو ہی مرنا. تو حافظ صاحب بزرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا, تڑپدا کیوں ہے, کوڑدا کیوں ہے, تھڑکدا کیوں ہے, میں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیراں تائیں نوانا ہے, اگا بھی نوانا ہے, پیچھا بھی نوانا ہے, تین بہت مہنگا لگتا ہے, تو میرا اگلا استنجا کر دے, 100 پاؤنڈ لے لے. نقد لے اُلے جانو تا بھر کے جا, انہیں صرف اگلا استنجا کر دے میرا. چیخ نکل گئی, اللہ والے کھال تو کیا, گوشت تو کیا, ہڈیاں بھی پوری نہیں. یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا, لوگوں نے, ظالموں نے, کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا, کھال جل گئی, گوشت جل گیا, ہڈیاں جل گئی, مجھے چھوڑا نہیں, بعد میں چھوڑا. فاروق اعظم نے پوچھا, اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا, کوئی حال نہیں, نمازیں پڑھتا ہوں, پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا. اب وہ مزہ نہیں ہے, وہ مزہ کہاں ہے؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا, 10-10 شیر لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے. فرمایا ہمیں چلاتے تھے, جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے, تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے,
चार चार अंग्रेज एक एक आलिम की कमर पे कोड़े बरसाते, चाबुक बरसाते। खुदा की कसम जाफर थलेसरी लिखता है, लोग सारी उम्र सजदे में तीन मर्तबा सुभान रब्बी अल आला कहते हैं। यूं फरमाते हैं, हमने उन सजदों में एक एक सजदे में 70-70 दफा सुभान रब्बी अल आला कहा। सत्तर दफा सुभान रब्बी अल आला कहा। क्यों? इसलिए उस सजदे में जो मजा आया उम्र भर में फिर कभी आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तीनों को लाहौर लाए और एक आदमी पर्चा लेकर आया कि परसों तरसों तुम्हें फांसी लगा दिया जाएगा। बस ये खुश हो रहे हैं एक दूसरे को लिपट गए, मुबारक हो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वाह 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 मुबारक हो। वो देख रहा था जो पर्चा लेके आया था, वो कहने लगा मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। खुश हो रहे हो? उन्होंने कहा क्यों ना खुश हो, हम तो बड़े दिनों से मुंतजिर हैं। वला तहसबन अल्लज़ीन कुतिलु फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार में है कब मौत आए, कब अल्लाह की जन्नत में जाएं, कब अल्लाह का दीदार करें, कब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का दीदार करें। अल्लाह। उसने जाकर अंग्रेजों को बता दिया, मौलवी तो खुश हो रहे हैं। उसने कहा अच्छा हमने फांसी कैंसिल कर दी, मौलवियों को खुश नहीं होने देना, मगर इनको बताया नहीं कि तुम्हारी फांसी कैंसिल हो गई। तीसरा दिन आया, जाफर थनेसरी फरमाते हैं मैंने एक दरख्त के तीन चार पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, कल फांसी आऊंगा अल्लाह के हुजूर में रोजादार होके जाऊंगा, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर के पानी से रोजा इफ्तार करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारा दिन पिटाई में गुजर गया, बेहोशी में गुजर गया। अगली रात को होश आया, अल्लाह वाला लिखता है और कुछ नहीं मिला, घास का तिनका मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। यूं फरमाते हैं मेरे दिमाग में गोश्त जलने की बू आई, मैंने एक दीवार के पीछे झांक कर देखा, एक दर्जन आलिम दीन लिटाए हुए हैं, गरम लोह करके आलमों को दाग दे रहे हैं। जाफर थनेसरी कसम खा के लिखते हैं मेरे देखते देखते 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने माफी ना मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको बुरा कहते हो जिन्होंने कुरान भी बचाया, नबी का फरमान भी बचाया, जान देकर बचाया, लहू देकर बचाया, सर दे के बचाया। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया, मालगाड़ी के डिब्बे में पिंजरा रखा गया, उसमें नोकदार तार अंदर को लगाए गए, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं खड़ा हो सकता था, ना मैं बैठ सकता था। मैंने भी फैसला कर लिया कि मेरा आखिरी वक्त तो आ गया, हर सांस में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी दुरूस्त्री पढ़ता हुआ जान दूंगा, कल को मेरा यूं कहने का मुंह रह जाएगा आका मैंने तेरा नाम लेते हुए जान दी थी। फरमाते हैं मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, सांस चलता रहा, अचानक मुझे चक्कर आया, घश आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं सारी उम्र तरसता रहा, वो पिंजरा फिर आए, वो दौलत फिर मिले, वो फिर नोकदार पिंजरा आए, मैं फिर दुरूद शरीफ पढ़ू, और फरमाया करते चिल्ली फिरती है बुलबुल,
फिरती है बुलबुल और चोंच में गुल और ढूंढती है शहीद नाज की तुर्बत कहाँ है। बका का राज मुजमिर है, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। लोग ये कहते हैं कि जी पुरानी बातें हैं, पुराने जमाने के बुजुर्ग थे ऐसे। 35 साल का नौजवान, कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं, किसी आरती का बेटा नहीं, किसी दुकानदार का बेटा नहीं, किसी अफसर का बेटा नहीं, किसी डॉक्टर का बेटा नहीं, किसी एमएलए एमपीए का बेटा नहीं, किसी वजीर का बेटा नहीं। लेकिन खुदा की कसम इस साल में इस सदी को अकेला ही रोशन कर गया और ये साबित कर गया, माल न सही, दौलत न सही, हुकूमत न सही, ये जान है सिद्दीक की सदाकत पे, फारूक की अदालत पे, उस्मान की शहादत पे, अली की शुजात पे। ये साथ देकर ये साबित करके जाऊंगा कि इस जमाने में भी नामूस सहाबा पर जान दी जा सकती है। शहीद नामूस सहाबा, शहीद नामूस सहाबा मौलाना हकनवाज धंगड़ी। कल भी धंगड़ी जिंदा था, कल भी शियादा बैठा, कल भी जनवरी जिंदा था, अरज कर रहा था, अरज ये कर रहा हूँ कि ये जो मुजाहिद होता है वो डरना वरना नहीं जानता। जेलें काटी, एक एक थाने वालों ने रज रज के पीटा, 20 शेर 25 शेर का नौजवान, अल्लाह उस वो भी तो आदमी था, चोट लगी, चमड़ा उजड़ गए, रोटी बैठ के नहीं खा सकता था, मियां वाली जेल में जब लेके गए इतना मारा, लेकिन आए सिद्दीक के नशे में उसे मार का भी पता न चला, फारूक की अदालत के नशे में उसे मार का पता न चला, इमाम मजलूम सैयदना उस्मान शहीद रहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में उसे मार का पता न चला। एक दफा थोड़ी, कितनी दफा जेल में गया, इतना बड़ा कद कामत का मालिक भी नहीं, मेरे से भी छोटे कद का मेरे यहां आया करता था, लेकिन दांत खट्टे कर दिए थे। जब लोगों ने उसको मार के अपना कमाल समझा, फिर खुदा की खैर जोश में आती है। अल्लाह यूं फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा मैं बन जाता हूं। फिर उस मजलूम की बद्दुआ का समरा तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम्हारे सामने आ रहा है। इसलिए मैंने ये उन्मान अर्ज कर दिया कि कुर्बानी सिर्फ बकरों छतरों की नहीं, गाय गुंबों की नहीं, कुर्बानी उलमा ने दी है, अल्लाह वालों ने दी है। दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, मैं तुम्हें कसम तारीख की रोशनी में उठा के कहता हूँ, 4000 तो मदरसे थे, लाख से ज्यादा तालिब इल्म था, सारे अंग्रेज के मुकाबले में शहीद हो गए। कोई नमाज पढ़ाने वाला ना बचा, कोई अजान देने वाला ना बचा, कोई लांगड़ी ना बचा, बुगड़ती ना बचा। इन अल्लाह वालों के सदके में अल्लाह तबारक व तआला हम सबके
ایمان میں قوت عطا فرمائے، سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلمان قوم کی، کشمیری مظلوموں کی، پوری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جامع عبداللہ بن مسعود کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرے، پڑھانے والے اساتذہ کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے، خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے۔ عید کا موقع آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ یاد رکھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تو مانگ کر جائے، دعا تو مانگ لو۔ سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیاہکاریوں کو معاف فرما، مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ حضرت درخواست کی دامن برکات تو ان کو دیرگاہ سلامتی عطا فرما، اور ہم سب کے سائے سروں پر سایہ ان کا قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری مسلمان قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں شر ہے، فتنہ ہے، تعصب کی فضا کو ختم فرما، نفرت کی فضا کو ختم فرما، مولا رحمت کی فضا عطا فرما، بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے غیب سے نصرت فرما، کشمیری مستورات اور مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ یہ کلمہ اور ایمان والی موت عطا فرما، تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما اور شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت قبر حشر سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جامع عبداللہ بن مسعود اور سارے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما۔ یا اللہ اساتذہ کے درجوں کو بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولانا حق نواز مرحوم کے درجوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کی جماعت کی حفاظت فرما، ان کے مشن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کراچی حیدرآباد کے ساتھی جتنے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ وہاں کی بدامنی کا خاتمہ فرما۔ مولا تیرے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کرتا، ذرہ نہیں ہلتا، رحمت تیری بھیک مانگتے ہیں سارے مسلمان قوم پہ عبادت فرما۔ یا اللہ ساری مسلمان قوم کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی عبادت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر حادثے فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس گرمی میں ان سب ساتھیوں کی حاضری قبول فرما، میں گناہگار کی حاضری بھی قبول فرما اور ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔